गौरव मिश्रा जी आज भी मुट्ठी भर किसान है, क्या कहा आपने, मुट्ठी भर किसान है? बिल्कुल, इसके विरोध में मुट्ठी भर एक पर्टिकुलर क्षेत्र के किसान आज भीड़ इकट्ठी हुई, वो मुट्ठी भर किसान थे। तो आपने आपकी तपस्या में फिर कमी कैसे रह गई? आप जैसे लोगों के ही चलते आज भी किसान ये नहीं मान पा रहा है कि ये बिल की वापसी आप करेंगे। आज भी जो आप कहते हैं ना, आप लोग हर न्यूज चैनल में पूछते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया क्या संशय बचा है, क्यों नहीं आप लोग सीमा खाली कर देते हैं, ये है वो संशय। आपने गौरव जी कहा कि ये मुट्ठी भर किसान थे और आज भी मुट्ठी भर किसान हैं। आप जानते हैं सब लोग, एक बात पंडित जी, एक सेकंड, अब मैं देखो अपने गिरबान में झांक के देखता हूं। कई विद्वान व्यक्ति आज कहते, आज उनको भी पता चल गया कि रबी और खरीफ की फसल, आज उनको ये पता चल गया कि MSP क्या होती है, वो जो हिंदू मुसलमान पर, हिंदुत्व और हिंदू पर डिबेट करवाते हैं, जिन्ना पर चर्चा करवाते हैं, आज उनको ये मालूम चल गया कि A2FL क्या होता है प्लस और C2+50 क्या होता है, उनको ये पता चल गया। अब आज भी 23 फसलों पर MSP मिलता है, उनको समझ में आ गई, अब तक नहीं आई थी। आपने कहा ना एक साल में क्या मिला पंडित जी, मैं वो बता रहा हूं एक साल में क्या मिला आप लोगों को। एक साल में ये मिला कि 1975 का गेहूं 1200 और 1100 रुपए में बिकता है, ये उन लोगों को भी समझ में आ गया, उन लोगों को भी समझ में आ गया कि 1200-1300 रुपए का मूल्य बिकता है, किसान बहाल है, फिर भी हिंदू मुसलमान पर चर्चा हो रही है, फिर भी हिंदू मुसलमान पर चर्चा हो रही है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, ऐसे लोग थे मतलब हमारी बिरादरी के जो तथाकथित पत्रकार है, जिसे मैं तथाकथित बोलता हूं, वो कहते देखो 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 वो जिम में बैठा है किसान, वो देखो मशीनें आई है जिम की, वो देखो कॉफी पी रहा है किसान, कॉफी पी रहा है, वो देखो जींस पहनी है किसान ने जींस पहनी है, वो कह रहा है कि ये जिम कहां से आ गया आंदोलन में, मतलब किसान जिम नहीं जा सकता, वो उनकी नजर में वही लाठी डंडा और वो सब कुछ। मैं ये भाषण नहीं दे रहा, मैं हकीकत बता रहा हूं, ये उन लोगों की भी हार है, ये उन लोगों की हार है जो पत्रकारिता के नाम पर तमाशा कर रहे हैं, ये उन लोगों की हार है। बिल्कुल सही बात, जिन्होंने पत्रकारिता के नाम पर तमाशा किया, जिन्होंने बताया राष्ट्रहित के नाम पर ये किसान नहीं ये खालिस्तानी है, जिन्होंने ये कहा कि ये खालिस्तानी है, कनाडा से फंडिंग हो रही है इनकी, ये उन पत्रकारों की हार है। प्लीज बयान प्ले करिए और आगे बढ़ रहा हूं। जिन लोगों को आपत्ति है उनसे सरकार ने कई दौर की वार्ता की है, हमने किसान यूनियन के लोगों को कहा है रिपील के अतिरिक्त कोई भी प्रस्ताव आपका हो तो भारत सरकार चर्चा करने के लिए तैयार। क्या तरीका है आंदोलनकारी जो होते हैं वो ऐसे तरीके नहीं अपनाते, आंदोलन जीवी होते हैं वो ऐसे तरीके अपनाते हैं। 3 बिलों में उनकी आपत्तियाँ क्या हैं वो बता नहीं पाए, वही बात उन्होंने कही है कि आप बताएं कि क्या आपत्तियां हैं, तो वो बता नहीं पाते हैं। इसी से ये लगता है कि इनका एजेंडा 3 बिल ना होकर कोई गुप्त एजेंडा, जो भी हो यहां से इससे कोई भी पैदावार किसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, कहाँ नहीं है सर, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट हूँ, लिखित में बता रहा हूँ, कितने लग पाता, कोई डाउट मारोगे? सर फोड़ देना SDM ने कहा था। मैं इसलिए ये बयान सुनाए आपको क्योंकि गौरव मिश्रा जी 21 फरवरी 2021 का बयान आया, कृषि मंत्री जी ने कहा भीड़ इकट्ठा करने से कानून नहीं हटते हैं, कानून खत्म नहीं होते, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा आंदोलन जीवी, SDM ने कहा सर फाड़ देना जी। आज अभी भी आप कहते हैं ये मुट्ठी भर किसान है, आज भी बिल्कुल 27 रुपए किसान की आमदनी है प्रतिदिन की, 27 रुपए, अगर आंकड़ा गलत पड़ रहा हूं तो आप बता देना क्योंकि ये आप लोगों के ही आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं। कर्ज है 47,000 से बढ़कर जो है वो 74,000 बढ़ गया प्रति किसान पर, और 4,00,000 से ज्यादा, सर सुनिए ना बता रहा हूं पूरा आपको सुन लीजिए, 4,00,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं 1996 से लेकर अब तक के आंकड़े बता रहा हूं NCRB के,
और 45 लाख करोड़ का नुकसान किसानों को हुआ है, या आंकड़ों की रिपोर्ट बताती है? 45,000 करोड़ का 2014 तक के बताइए, ये राजनीतिक छिलकों से क्या हासिल होगा परिवारवाद से? तक के आंकड़े बताइए, उसके बाद से ये रेशियो गिरा है और आमदनी में वृद्धि भी हुई है। 2016 का इकोनॉमिक सर्वे कहता है, ये मैं नहीं कह रहा, इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि किसानों की 17 राज्यों में किसान परिवार की औसतन आय 20,000 रुपए है, 20,000 रुपए औसतन आय। इस पर करो ना चर्चा, इस पर डिबेट करो, हिंदू मुसलमान पर क्यों करते हो? रोजगार पर करिए, किसानों की आय पर करिए। 20,000 रुपए प्रति परिवार किसान की आय, 20,000 रुपए, ये आपका 2016 का इकोनॉमिक सर्वे कहता है। उनको बोलिए ना इस पर चर्चा करें। 2016 का आप बता रहे हैं, 2020 का बताइए लगातार वृद्धि। सर ये 2016 का इकोनॉमिक सर्वे बता रहा हूं मैं आपको। लखीमपुर में सिर्फ किसान ही नहीं कुचले गए, दोनों तरफ से हत्याएं हुई, हत्या तो वहां संविधान भी कुचला गया लखीमपुर में, क्योंकि आपने विरोध का अधिकार छीन लिया तो वो संविधान भी कुचला गया, संविधान भी कुचला गया। ये कई महत्वपूर्ण विषय हैं जिन्हें आप मुट्ठी भर किसान कह रहे हैं। वो किसान आज ये सवाल तो आपसे पूछ रहे होंगे और इन सवालों के जवाब तो गौरव जी आपको आने वाले वक्त में भी देने होंगे। अगर 1984 में सिख दंगों के हिसाब किताब आज भी कांग्रेस से मांगा जाता है तो आने वाले वक्त में आपसे भी कुछ हिसाब मांगा जाएगा उन 700 शहादत का। मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि ये आंकड़े वो आंकड़े हैं जो इस विषय पर चर्चा नहीं होते। गौरव जी का ऑडियो उठाइए प्लीज, गौरव जी जल्दी से। मैंने इसलिए बात कही, असली मुद्दे ये हैं, किसानी, बेरोजगारी, महंगाई। मैंने इसलिए ये बात कही कि संविधान दिवस पर इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। मैं उस चर्चा को लाकर आना चाह रहा था कि 66 पत्रकार गिरफ्तार कैसे हुए 2020 से। अब सवाल यह भी कि प्रेस इंडेक्स में देश के भीतर हमारा स्थान 142वें नंबर पर क्यों पहुंच गया, यह सोचने का विषय है। क्यों आखिरकार देश के भीतर 4 जज सुप्रीम कोर्ट के बाहर निकलकर यह कहते हैं कि प्लीज टेक केयर ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड टेक केयर ऑफ द नेशन, क्यों कहते हैं ये हमारे जजेस? इस पर भी विचार करना होगा कि आरबीआई के गवर्नर ये क्यों कहते हैं कि काम करने का अधिकार दीजिए। ये तमाम विषय हैं। संविधान तभी बनता है, संविधान अभिव्यक्ति की आजादी से बनता है, अभिव्यक्ति की आजादी, धर्म निरपेक्षता से बनता है, धार्मिक स्वतंत्रता से बनता है। अभिव्यक्ति की आजादी मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है। अभिव्यक्ति की आजादी एक तरफा नहीं होती, एक तरफा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही कहा। तभी मैंने उसका जिक्र किया था कि संविधान में तालाबंदी में आप संविधान का हवाला देकर आखिरकार कैसे कानून ले आए, यही तो था अध्यादेश अनुच्छेद 123। दरअसल जब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ, मैंने एक बात का जिक्र किया, हमेशा से जिक्र किया, और वो जिक्र ये था कि खेत में किसान और सीमा पर जवान, खेत में किसान और सीमा पर जवान। और किसान का बेटा कौन? वही तो जवान, वही जवान जो किसान खेत में है और सीमा पर उसी का बेटा जवान।